अभी यहीं पर जो है शिवलिंग के ऊपर पानी ढाल रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ साहू में, क्योंकि लंबे समय से हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो काफ़ी लोग शिव मंदिर में इकट्ठा होने वाले हैं। जहाँ से शिव जी की शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ पर जो है जल डालने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं। जब कभी भी लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो यहाँ पर आकर लोग शिवलिंग के ऊपर पानी डालते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में गड़ुआ ढालना बोलते हैं। उसके साथ ही इस चंद्रशेखर के जयकारे भी लगाए जाते हैं। पहले भी मैं आपको ये बड़ी जगह दिखा चुका हूँ, इस जगह का नाम है टुनरला। और यहीं से जो है जो साहु का चंद्रशेखर टेम्पल का शिवलिंग है वो यहीं से प्रकट हुआ था, इसलिए अक्सर लोग यहाँ पर आया करते हैं। अभी यहीं पर जो है शिवलिंग के ऊपर पानी ढाल रहे हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ से लेकर ऊपर इस रास्ते से होते हुए चंद्रशेखर टेम्पल तक जो है डाक लगाई जाती है और पानी जो है शिवलिंग के ऊपर डाला जाता है। सो गाइस, आज डेट है 13 अप्रैल और अभी मैं आ चुका हूँ अपनी घर की छत पर। तो एक दो दिन पहले जो कुछ भी लोगों ने पूजा अर्चना की थी महादेव जी की, उसका फल लगभग आज मिलने जा रहा है, क्योंकि चारों ओर बादल भी आ चुके हैं। इसके साथ ही थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होना भी स्टार्ट हो गया है। चलिए आपको दिखाते हैं। सो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर काले काले बादल और उसी के साथ थोड़ी बहुत बारिश भी स्टार्ट हो गई है। काफ़ी लंबे समय के बाद आज बारिश होने जा रही है, देखते हैं आज बारिश होती है या नहीं। लेकिन आज का मौसम देख के लग ही रहा है कि आज पक्का बारिश होगी। कहते हैं कि जब भी आप भोलेनाथ की सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हो तो उसका फल कभी ना कभी मिल ही जाता है। जैसा कि आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा कि हमारे साहो में शिव जी का चंद्रशेखर महादेव टेम्पल साहो है, जो कि काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध भी है। हमारे साहो के एरिया की ये बहुत ही पुरानी परंपरा है कि जब कभी भी हमारे यहाँ पर लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो हम लोग जो है चंद्रशेखर टेम्पल साहो में जाकर जगराता देते हैं, जो कि नवाला होता है। और मान लो फिर भी बारिश नहीं होती तो सभी लोग इकट्ठा होकर शिवलिंग के ऊपर 101 घड़ा जो है पानी का डालते हैं, और उसके बाद जो है बारिश होने के 100% चांसेस होते हैं, जैसा कि आपको आज भी देखने को मिल रहा है। अभी भी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो गाइस, ये सब जो है विश्वास की बात होती है, हो सकता है आप लोग विश्वास नहीं करते होंगे। अगर आप विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी मैं आया था यहाँ पर बगीचे में, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है। होप सो आपको आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।